करते हैं और उनसे जानते हैं तेजस्वी ने क्या इशारा किया रांची पहुंचने पर, उनके कार्यक्रम को लेकर क्या जानकारी दी गई। जी चंदन। चंदन जानना चाहेंगे तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं, उनके कहने का क्या मतलब निकाला जाए, वो हर महीने अब झारखंड आएंगे। देखिए बिल्कुल, पहले भी तेजस्वी यादव की तरफ से ये कहा गया था कि लगातार वो झारखंड में संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन को समय देंगे, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि जैसा कि बिहार में जो सियासी समीकरण बदला उसकी व्यवस्था की वजह से आज झारखंड में वो समय नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब सांगठनिक तौर पर वो झारखंड में समय देंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। और उन्होंने एक बात जो कही कि अगर संगठन मजबूत होगा तो जो उचित हिस्सेदारी होती है वो अपने आप मिलती है। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना था और आज उन्होंने बताया कि वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मिलेंगे, मिलने का वक्त मांगा है। तो ये सीधे सीधे कहा जाए तो सांगठनिक तौर पे संगठन को मजबूत करने के लिए, पार्टी की रणनीति तय करने के लिए तेजस्वी यादव झारखंड पहुंचे हैं, रांची में कल उनका कार्यक्रम है। चंदन, ऐसे में ये भी समझना चाहेंगे हम कि जिस तरह से तेजस्वी यादव पहुंच रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि जहां जिसका वर्चस्व है वहां उसे ज़्यादा भागीदारी दी जाए, ये पार्टी राय रखती है, लेकिन संगठन को भी मजबूत करना जरूरी है, मतलब सहयोगियों के साथ तालमेल भी बिठाना है और अपने संगठन को आगे भी बढ़ाना है, बड़ी चुनौती है तेजस्वी के सामने। देखिए तेजस्वी ने जिस तरह से स्वीकार भी किया और निश्चित तौर पे न सिर्फ गठबंधन को मजबूत करना है बल्कि सांगठनिक तौर पे अपने राजद को मजबूत करते हुए कोशिश है राजद की कि जो हिस्सेदारी है, भागीदारी है महागठबंधन में और राज्य में, उसको बढ़ाने में। वो संगठन जब मजबूत होगा तभी भागीदारी मिलेगी महागठबंधन में, जब चुनाव होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सीट पार्टी को मिलेगी और जब सीट ज़्यादा मिलेगी तो जब नंबर ऑफ विधायक इनके बढ़कर ज़्यादा जीत कर आएंगे तो उचित भागीदारी मिलेगी जो, और इसके लिए संगठन का धरातल पर मजबूत होना बहुत जरूरी है। हाल के दिनों में अगर बात करें तो झारखंड में राजद कमजोर हुई है, फिलहाल राजद के एक विधायक यहाँ पे हैं चतरा से, सत्यानंद भोक्ता जो मंत्री भी हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पहले के दौर में झारखंड में जो राजद के विधायकों की संख्या होती थी वो ज़्यादा होती थी, लेकिन हाल के दिनों में वो संख्या घटती चली गई और राजद का संगठन भी लगातार कमजोर हुआ। ऐसे में अब झारखंड राजद के नेता या फिर कहें जो राजद के नेता हैं, सभी लोगों की ये कोशिश है कि संगठन को मजबूत किया जाए और ये संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी झारखंड के राजद के नेताओं को लगता है कि तेजस्वी के मजबूत कंधे पे ही झारखंड में संगठन को मजबूत किया जा सकता है। तो बड़ा दायित्व तो तेजस्वी के कंधे पर है, देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी कैसे संगठन को और सक्रिय बनाते हैं झारखंड में। नजर